बाकी पार्ट्स भी करेंगे, पहले हम देख लेते हैं 3 to 9। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली टर्म है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ होल, मतलब आपको क्या चीज़ चाहिए अपॉन टोटल। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके मार्क्स, सपोज आपके मार्क्स आए मैथ्स में 30 out of 50, दैट मीन्स 30 जो आपके आए अपॉन टोटल 50 में से। या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं एक स्लाइस ऑफ अ पिज्ज़ा, सपोज ये स्लाइस आपने खा लिया तो आपने कितना पार्ट खाया, 1 पार्ट खाया आउट ऑफ कितना, 4 पार्ट्स, तो आपका फ्रैक्शन हो गया 1/4। ये फ्रैक्शन का मतलब हो गया। इसके अंदर दूसरा टर्म जो है वो है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जैसा कि नाम है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लाइक आप ये देख पा रहे होंगे सुई किस डायरेक्शन में घूम रही है, फ्रॉम मैं बोलूँगा लेफ्ट टू राइट की तरफ घूम रही है, तो अगर ये वाली डायरेक्शन होती है तो इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर इसका रिवर्स चलता है तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे क्लॉक घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसका रिवर्स, फ्रॉम ऐसे कह सकते हैं राइट टू लेफ्ट। थर्ड चीज जो इसने बोला है आवर हैंड। आवर हैंड, अगर आप देख पा रहे होंगे जो रेड वाली जो सुई है, हैंड है, इसे हम सेकंड हैंड बोलते हैं। ये जो लॉन्गर हैंड है एज कम्पेयर टू दिस वन, इसे हम मिनट हैंड बोलते हैं, और ये जो स्मॉलर वाला है उसे हम आवर हैंड बोलते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है हमारा जो आवर हैंड है वो 3 to 9 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा है। इसका मतलब हम 3 पे थे और हमने 9 पे गए, तो हम देख लेते हैं हमने कितना चला, 1 2 3 4 5 6, व्हाट वी नीड, हमने 6 चला टोटल। अगर हम पूरा चलते वापस 3 पे आ जाते तो हमें पता है कि हम कितना चलते, 12 चलते। तो इसको हम जब रिड्यूस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। रिड्यूस कैसे करते हैं, 6 टाइम्स 1, 6 टाइम्स 2, 1/2। हम इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, फ्रॉम 3 to 9 द आवर हैंड ट्रेवल, और यू कैन से मूव हाफ, 1/2, हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन। बाकी हम 2 पार्ट्स और देखते हैं, सी और ई पार्ट। बाकी पार्ट्स आपको खुद करने हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर दे देना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके, 7 to 10, अगर हम 7 पे हैं और 10 पे जाना है तो 1 2 3, हाँ हमें कितना चाहिए सी पार्ट का, 3, और टोटल कितना है आपको पता है, 12। तो हम कह सकते हैं 3 टाइम्स 1 और 3 टाइम्स 4, सो 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। जल्दी से ई पार्ट बताएं, 1 to 10, 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर 9, व्हाट वी नीड अपॉन टोटल 12। सो 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 4, सो 3/4 रेवोल्यूशन। सो इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस आप पार्ट्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से आपको प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस की, मतलब बाकी क्वेश्चन 1 2 3 4 सब लिस्ट आपको मिल जाएंगी, चाहे तो आप वहाँ से जाके सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।